हम जानेंगे इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के बारे में। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड जो कि क्लास फर्स्ट से 10th तक के बच्चों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट में ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसकी लास्ट डेट है 2024-25 ओलंपियाड की लास्ट डेट है आपकी 30 अक्टूबर। यह ओलंपियाड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में करवाई जाती है। स्कूल के द्वारा अगर आप एग्जाम में रजिस्टर होते हैं तो उसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट इंडिविजुअली ऑनलाइन भी इस एग्जाम को देना चाहता है तो इस ओलंपियाड में यह सुविधा है, जिसकी भी लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2024 है। यह ओलंपियाड एग्जाम दो राउंड में होती है। एनुअल ओलंपियाड राउंड वन के डेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सब्जेक्ट्स वाइज जो है यहाँ पर राउंड वन एंड राउंड टू के एग्जाम डेट यहाँ पर दिए गए हैं। करीब 10 सब्जेक्ट्स हैं, करीब 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ओलंपियाड एग्जाम करवाई जाती है, जो क्लास फर्स्ट से 10th तक के बच्चों के लिए होती है। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइंस ओलंपियाड, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, ड्राइंग, एसे एंड सोशल स्टडी। ये 8 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर बच्चों के लिए ओलंपियाड एग्जाम करवाए जाते हैं। चलिए आते हैं हम ओलंपियाड एग्जाम डिटेल्स में, फीस स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं। इस ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या फीस पे करना पड़ता है। स्टूडेंट अगर इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ले रहा है तो उसकी 240 रुपीज होती है, जबकि स्कूल के थ्रू अगर बच्चा ओलंपियाड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अमाउंट जो है 150 रुपीज लगते हैं, जो कि आप स्कूल के द्वारा या इंडिविजुअली भी आप इसको भर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम देखते हैं ओलंपियाड शेड्यूल क्या होता है। ओलंपियाड शेड्यूल में लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। एनुअल राउंड यहाँ पर दिया गया है क्लास फर्स्ट से 10th। ये सभी सब्जेक्ट्स जो है 8 सब्जेक्ट्स, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, इन सभी सब्जेक्ट क्लास फर्स्ट से 10th तक के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसकी फर्स्ट स्लॉट एग्जामिनेशन जो है सब्जेक्ट वाइज है कंप्यूटर की 2 दिसंबर, सोशल स्टडीज 3 दिसंबर, जीके 4 दिसंबर, इंग्लिश ओलंपियाड 5 दिसंबर, साइंस ओलंपियाड 6 दिसंबर, मैथ्स ओलंपियाड 7 दिसंबर, एसए ओलंपियाड 9 दिसंबर एंड ड्राइंग ओलंपियाड 10 दिसंबर को ली जाएगी। साथ ही इस ओलंपियाड में जो बच्चे स्कोर प्राप्त कर लेते हैं उसको सेकेंड स्लॉट में एग्जाम देने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप मोबाइल के थ्रू भी इस ओलंपियाड में ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, जो बच्चे इंडिविजुअली अगर इसको फॉर्म भरते हैं। ऑफलाइन ओलंपियाड एग्जाम के डेट यहाँ पे अलग है। यहाँ मैंने आपको ऑनलाइन ओलंपियाड इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की डेट बताई है। नीचे अगर हम आते हैं तो देखते हैं ऑफलाइन ओलंपियाड एग्जाम डेट, जो कि आप स्कूल के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है यहाँ पर डेट दिए गए हैं, जैसे कि साइंस ओलंपियाड 25 नवंबर, मैथ्स 26 नवंबर, इंग्लिश 27 नवंबर, जीके 28 नवंबर, कंप्यूटर ओलंपियाड 29 नवंबर, हिंदी ओलंपियाड 29 नवंबर, एसए ओलंपियाड 29 नवंबर, इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड 30 नवंबर एंड सोशल स्टडीज ओलंपियाड 30 नवंबर को ली जाएगी। एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं, इसमें किस प्रकार के एग्जाम पैटर्न रहते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न फॉर्मेट जो है यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 1। द ओलंपियाड एग्जाम क्वेश्चन आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला सेक्शन सब्जेक्टिव, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन रहता है। दिस फॉर्मेट रिमेन्स सेम द साइंस, मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड सोशल स्टडीज एग्जाम फॉर क्लास फर्स्ट टू 10। हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर इन ओलंपियाड, ओलंपियाड एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ क्लास फर्स्ट से 4th तक के लिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 35 रहते हैं, जो सेक्शन वाइज बटे हुए हैं। सब्जेक्टिव 20, लॉजिकल 10 एंड हॉट सेक्शन से 5 रहते हैं, और नंबर्स ऑफ मार्क्स 1 रहते हैं पर क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स इस प्रकार, लॉजिकल से 10 मार्क्स एंड सेक्शन हॉट से 5, टोटल 35 मार्क्स के रहते हैं। इसी प्रकार क्लास 5th से 10th तक के लिए 50 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टोटल मार्क्स 50 रहते हैं। यहाँ पे आप मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स देख सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे ओलंपियाड फीचर्स एंड बेनिफिट, इस एग्जाम को देने के फीचर्स एंड बेनिफिट क्या हैं।
किसी भी बच्चे को ओलंपियाड एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। ओलंपियाड एग्ज़ाम देने से बच्चे जो हैं लॉजिकल रीजनिंग, मैसेज अलर्ट सिस्टम, एफ्री रजिस्टर स्कूल, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इंस्पायर टीचर्स, मोटिवेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेनिफिट क्या है, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड हाईलाइट्स नॉट ओनली द सर्विस प्रोवाइड टू द स्कूल बट ऑल्सो द अवार्डेड ऑफ प्रिंसिपल, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, इन सभी को भी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में हम जानेंगे, ओलंपियाड स्टडीज, आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, किस प्रकार के हैं, तो यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं, ये सेक्शन में भी आपके रहते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, बिकम ए ओलंपियाड रैंकिंग रिजल्ट, हाउ टू प्रिपेयर ओलंपियाड एग्ज़ाम, ओलंपियाड एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। अदर्स ओलंपियाड में आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं की जाती है, जबकि इस ओलंपियाड में इसकी अपनी एक बुक रहती है जिसके माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ओलंपियाड एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया है, स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड बुक को खरीद कर आप यहाँ पर एग्ज़ाम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रजिस्टर होते हैं, चाहे वो मंथली ओलंपियाड हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, यहाँ पर आपको सिलेबस और फिर यहाँ से बुक को आप बाई करके यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सैम्पल पेपर एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी बार बार आपको प्रैक्टिस करते जाना है, जिससे कि आपकी जो भी कमियां हैं वो आपको पता चले और अच्छे से आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। सेक्शन कंटेंट क्वेश्चन बेस्ड देयर रेस्पेक्टिव एकेडमिक फंडामेंटल एंड सेक्शन टू इंक्लूड क्वेश्चन बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल, एंड सेक्शन 3 कंप्राइजेस हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस बुक में ऐड किए गए हैं। अर्थात जिस प्रकार का आपका सिलेबस है और एग्जाम का पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक आपको बताया जाता है, साथ ही किस प्रकार ओलंपियाड एग्जाम में आप प्रिपेयर करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को सिलेबस वाइज यहाँ पर क्वेश्चन में शामिल, बुक में शामिल किया गया है। और सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर एंड क्लास वाइज यहाँ पर क्लिक करके, जैसे सपोज मान लीजिए हम साइंस ओलंपियाड प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स आप ले सकते हैं, ऐसे रजिस्टर कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये हम जान चुके हैं कि ओलंपियाड अवार्ड और प्राइज क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस ओलंपियाड में अगर बच्चा कोई पार्टिसिपेट करता है और सफल होता है तो उसे क्या अवार्ड और क्या प्राइज मिलेगा। अवार्ड एंड प्राइज ओलंपियाड रिक्वायर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, हेंस द कीप अप द मोरल ऑफ ए स्टूडेंट अप एंड कीप मोटिवेट सच एज दे स्ट्राइवर, इस प्रकार इनको डिफरेंट प्राइजेस दिए जाते हैं। यहाँ पर नेशनल रैंक वाले को 1,00,000 रुपीज 8 स्टूडेंट को दिए गए हैं, नेशनल रैंक 2,40,000 10 स्टूडेंट्स को, नेशनल रैंक 3 10 स्टूडेंट विल बी अवार्डेड लैपटॉप एंड ₹20,000, इन दोनों में से कुछ एक, एंड नेशनल रैंकर 400 स्टूडेंट्स रहते हैं जिसमें अवार्डेड ₹7,000, एंड स्टेट रैंक 1 to 10 मेडल एंड स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड, एंड स्टेट रैंक 11 to 25 एक्सेलेंट मेडल अवार्ड विल बी अवार्डेड दिए जाते हैं। साथ ही हम जानेंगे ओलंपियाड विनर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस एग्जाम के कौन कौन से विनर यहाँ पर रहे हैं और उनको क्या मिला है। इस तरह यहाँ पर देखिए ओलंपियाड विनर्स के 2023 विनर लिस्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, अर्थात जब एग्ज़ाम के रिजल्ट निकल जाते हैं तो यहाँ पर भी उनको हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पर रैंक 10 स्कॉलरशिप विनर एंड एक्सेलेंट मेडल, ये सारे आपको यहाँ पर इमेजेस दिख जाते हैं। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, नाम एंड सिटी किस बच्चे को दिया गया है वो सारे यहाँ पे आपको नाम आ जाते हैं। एंड साथ ही आप देखेंगे एनुअल अवार्ड फंक्शन, इस प्रकार आप देख रहे हैं मंथली ओलंपियाड प्रॉपर ओलंपियाड बेस्ड ड्राइंग, यानी इस प्रकार आपको ड्राइंग ओलंपियाड भी यहाँ पर लिए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है और यहाँ पर आपको बेस्ट ड्राइंग को बेस्ट ड्राइंग कंपटीशन भी यहाँ पर होता है
ओलंपियाड वेस्ट ड्राइंग, जो कि अदर ओलंपियाड में ड्राइंग कंपटीशन एंड ऐसे कंपटीशन नहीं होते हैं। यहाँ से आप बुक जाकर बुक यहाँ से खरीद सकते हैं, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर कर सकते हैं। वर्क बुक यहाँ पर अवेलेबल रहती है इनके साइट पर, जैसे कंप्यूटर ओलंपियाड 100 में ये बुक है। यहाँ कंप्यूटर्स ओलंपियाड रीजनिंग बुक, जिस भी सब्जेक्ट्स के हैं आपके, क्लास वाइज यहाँ पर आप चेकआउट करके इसको ले सकते हैं। इसके साथ ही एनुअल एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, एनुअल एग्जाम शेड्यूल लास्ट डेट 30 अक्टूबर है और एग्जाम डेट यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे लिटिल चैंप रजिस्टर, ये तो क्लास फर्स्ट से 10th तक के बारे में हमने बात की। अगर आपके बच्चे छोटे क्लास में हैं, यानी नर्सरी से KG1 KG2 के बच्चे, उनको भी यहाँ पर क्लास नर्सरी, जूनियर KG एंड सीनियर KG, इन तीन सेक्शन के बच्चों के लिए भी इस ओलंपियाड मैथ, EBS, इंग्लिश एंड ड्राइंग, इन चार सब्जेक्ट में ओलंपियाड यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में मेल कर सकते हैं, जिसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आई होप आपके ये सारे क्यूरीज सॉल्व हो गए होंगे, सारे क्यूरीज जो भी हैं, और अगर कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको वो, यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन, स्कूल लॉगिन यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप लॉगिन होते हैं एग्जाम के समय यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये तो हम जान गए सब्जेक्ट, अब आप सिलेबस देखना चाहते हैं। जैसे साइंस ओलंपियाड पे गए और यहाँ से क्लास फर्स्ट का अगर आपको सिलेबस देखना है तो यहाँ से आके इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड हमें यहाँ प्रिपेयर मटेरियल यहाँ पे हो जाता है, एंड साइंस ओलंपियाड सिलेबस कौन कौन से सिलेबस है। सिलेबस ऑलमोस्ट जो है आपका CBSE बुक या स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस रहते हैं ऑलमोस्ट वही रहते हैं। ऑलमोस्ट ओलंपियाड में कुछ चैप्टर्स ही चेंज रहते हैं, अदरवाइज वही रहते हैं, बस उनके पूछने का पैटर्न और डीपली नॉलेज यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी ये सारे टॉपिक्स आपको जनरल CBSE या स्टेट बोर्ड के क्लास फर्स्ट की साइंस में भी यही टॉपिक्स रहते हैं, और साथ में एक एक्स्ट्रा चैप्टर हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि स्कूल में नहीं रहता है और ओलंपियाड में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप चाहे CBSE, स्टेट बोर्ड या ICSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो यही सिलेबस रहते हैं डिफरेंट बोर्ड में भी, तो इस प्रकार आप तैयारी करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको बुक दिया जा रहा है, वर्क बुक आप खरीद के इससे भी तैयारी करवा सकते हैं। आई होप यहाँ पर एनुअल ओलंपियाड एंड मंथली ओलंपियाड भी होता है, जो कि आप यहाँ पर मंथली ओलंपियाड की भी बच्चों को एग्जाम दिलाकर चेकआउट कर सकते हैं कि बच्चे की तैयारी कैसी है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, सैंपल वर्क बुक, सैंपल पेपर ऑनलाइन, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इस तरह आप कर सकते हैं। जैसे हाउ टू प्रिपेयर ओलंपियाड एग्जाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप यहाँ से बुक खरीद के या खुद भी तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।